सबसे पहले इस धरती पर प्रजापति ही आया था। और मेरे प्रजापति भाइयों, वही सबसे पहला वैज्ञानिक है जिसने किस चीज का आविष्कार किया, जिसने कुंभ का आविष्कार किया था, जिसे हम सब लोग घड़ा कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे गगरी भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन जब पहली बार बना था तो इसका नाम कुंभ पड़ा था। हरिद्वार से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जो कभी राजा दक्ष की राजधानी का नगर था, जो आज भी गलखंड के नाम से जाना जाता है, जहां कुंभ पर भी पड़ती है, ये भी कुंभ से ही शुरू हुई थी। और गनखल के रहने वाले एक प्रजापति को भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया था, जिसका उसने अपना चाक बनाया था। और भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, अपनी पिंडी दी थी। पिंडी पर उस चक्र को रखा था और त्रिशूल से उसे घुमाया था। और मेरे प्रजापति भाइयों, भगवान ब्रह्मा ने अपनी जनहू और अपना जल का भरा कमंडल दिया। कमंडल में जो जल था उससे मिट्टी को गीला किया और उस जनहू से कुंभ को काटा था। भगवान विष्णु ने उस प्रजापति से कहा, जाओ तुम अपना काम शुरू करो। तो उसने पहले ही बार में इतना सुंदर कुंभ बनाया, इतना सुंदर घड़ा बनाया कि भगवान उसे देख कर के खुश हो गए। भगवान बोले, तुमने इसे कैसे बनाया? तो उस प्रजापति ने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु जैसे आपने मुझे 5 तत्वों से मिलाकर बनाया है, वैसे ही मैंने इस कुंभ को 5 तत्वों से मिलाकर बनाया है। कैसे? जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती। मैंने धरती से मिट्टी ली और जल से उसे गीला किया और आकाश वायु से इसे सुखाया था और अग्नि से इसे पकाया था। भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने एक सुंदर सा हार अपने हाथ में लिया और उसको बाहर के डाल दिया। तो उसी समय उसका नाम भगवान ने कुंभहार रखा। कुंभ का नाम पहले और हार का बाद में, दोनों शब्दों को जोड़ दिया तो हो गया कुंभहार। और उसी वक्त भगवान ने उसे ये वरदान दिया कि चाहे कोई भी पूजा हो, हर काम में तुम्हारे कुंभ की हर किसी को आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारी पूजा के बगैर कोई पूजा संपूर्ण नहीं होगी। तुम्हारे इस कुंभ का जल पी करके लोग अपनी सांसें लेंगे और तुम्हारे कुंभ के बगैर कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। अब चाहे वो मृत्यु हो या जन्म हो, शादी हो या सजा हो। और मेरे प्रजापति भाइयों, ये सच बात है, तुम जिस विवाह में नहीं जाओगे तो इसका विवाह तुम्हारे कलश, तुम्हारी पूजा के बिना कभी पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए आप जरा सोचो, आप कौन हो फिर भी आप भिखारियों की तरह जी रहे हो? अरे आपको नहीं मालूम है आप कौन हो? आप राजाओं के राजा हो और शेरों के शेर हो, इस संसार की जड़ें हो। जो एक बार हिल जाए तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। और ये ब्रह्मांड कौन है? ये ब्रह्मांड आदि प्रजापति ब्रह्मा है। ब्रह्मांड भी प्रजापति ही है और इसके रचयिता दक्ष प्रजापति हैं। ये भी प्रजापति है, यानी कि ब्रह्मांड भी प्रजापति है और उसका रचयिता भी प्रजापति ही है। और मेरे प्रजापति भाइयों, आप फिर भी अपना सर झुका कर जी रहे हो। आपकी एक छोटी सी गलती से आपको नीचे गिरा दिया गया है। मैं बताती हूँ, अगर किसी भाई को बुरा लग जाए तो माफ कर देना। मैं बताती हूँ, आज 20% तो प्रजापति मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और 80% रोजगार बंद कर दिया गया है। किसने किया है? फाइबर, प्लास्टिक, स्टील, लोहा ने। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी दूसरे के ऊपर निर्भय होकर मत जियो। अरे लोग तुम्हें नजरों में नीचा गिरा रहे हैं। इन्हें दिखा दो तुम कौन हो, तुम क्या हो।
खाओगे जब तक कोई अन्य जाति वाला तुम्हारे पास कुछ वस्तु लेने ना आए तब तक तुम उसे कुछ मत दो। और तुम्हारी जरूरत तो हर किसी को पड़ती है। कैसे? जब दीपावली का त्योहार आता है तो उस पर दियों की जरूरत पड़ती है, चिरागों की जरूरत पड़ती है, और जन्म होने पर कलश की जरूरत पड़ती है, मृत्यु होने पर कलश की जरूरत पड़ती है। शादी विवाह में जब तक तुम्हारे कलश की पूजा और तुम्हारी पूजा नहीं हो जाती तब तक वो विवाह कभी संपूर्ण नहीं माना जाता। और मेरे प्रजापति भाइयों, यहाँ तक कि सरकार को भी हमारी जरूरत पड़ती है। कैसे? जो जेल में कैदी होते हैं, जो जल पीते हैं ना, वो इसी कुंभ में पीते हैं, इसी कलश में पीते हैं, इसीलिए उनको भी हमारी जरूरत पड़ती है। इस धरती पर हुए विश्व सर्वा रावण जैसे ज्ञानी, इस धरती पर हुए विश्व सर्वा रावण जैसे ज्ञानी जो पी पी कर बड़े हुए हमारे ही गले का पानी, इसलिए सिर उठाकर जियो सर।